that always had to be good. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. रेडी हो रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और यहाँ से हम लोग अभी कवर करूँगा मैं बेताब वैली, आरू वैली, उसका वीडियो आप देखोगे ऑब्वियस है. उसके बाद हम लोग, मैं श्रीनगर निकलने की तैयारी में हूँ क्योंकि आज अगर मौसम यहाँ ख़राब हो गया तो फिर वापस अटके रह जाएंगे इधर ही. हाँ, मैं कल रुका था. ये अंकल जी है, आंटी जी और जुनैद भाई को तो आप मिल ही चुके हो. ठीक है जुनैद भाई, शादी में नेक्स्ट टाइम पक्का. जुनैद भाई की शादी है तो शादी में नेक्स्ट टाइम आने का मैंने जुनैद भाई को वादा किया है. तो बहुत टूरिस्ट आया इस बार और जो ऊपर, शायद अगर कैमरे में दिख रहा हो तो जो ऊपर जो स्नोफॉल है ना, दैट इज़ फ्रेश. ये कल रात में हुई है और वो माउंट कोल्होई ग्लेशियर है. ये मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था अपने व्लॉग में, शायद आरू वाले व्लॉग में. तो आप आरू वैली इस बार मैंने सोचा है मैं ड्रॉप कर दूँ क्योंकि मैंने पिछली बार आरू वैली गया था, तो इस बार मैं बेताब वैली कवर करता हूँ. तो आरू वैली अगर आपको देखना है वो वाला ब्लॉग, तो वहाँ मेरी जो कश्मीर डायरीज सीरीज़ है वहाँ जाके आप देख सकते हो. स्विट्जरलैंड क्यों जाना है जब आपके पास कश्मीर है? लोग जो स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं मुझे समझ ही नहीं आता लेने क्या जाते हैं उधर. वहाँ पे भी बर्फ़ और इसी तरह के मेडोज, पहाड़, ऐसा ही है सब कुछ सेम. भाई पूरा एकदम पिक्चर शॉट लगता है, ऐसा लगता है सीनरी वही पेंटिंग कर दी किसी ने. मैं ऊपर आ गया था भैया, बेताब वैली के लिए नीचे ही. ठीक है भाई, यार सही जगह पार्क नहीं हो रही है, मुझे थोड़ी ठीक जगह ढूंढनी पड़ेगी बाइक के लिए. थोड़ी सी मुझे लगता है ऐसे सामने व्यू ही देखे जा रहा हूँ मैं तो बाइक लगाने के चक्कर में. मुझे लगता है ऐसे थोड़ी सी ऐसे पार्क करूँगा तो हाँ अब ठीक है. दिस इज़ बेताब वैली एंट्रेंस. अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपने बैग्स का क्या करूँ. मूवी बेताब की वजह से यहाँ का नाम बेताब वैली पड़ा था और इवन बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग हुई है पानी वाली, इधर उधर वाली, वो भी इसी वैली की है. बट स्टिल यस यस, हेलो हेलो हेलो. यू हैव टू क्रॉस दिस, उसके बाद ही आप बेताब वैली पहुँचते हो. और क्या खूबसूरत है भाई यार, आप देखो जरा. दिस इज द बेताब वैली यार, बहुत खूबसूरत है. मतलब पूरा एरियल व्यू इतना सही है. वो वहाँ पे वाटर है जहाँ पे जाने का मुझे मन है, वो बड़ा सही आएगा उधर. वहाँ पे माउंट कोल्होई ग्लेशियर वगैरह सब कुछ है, रियली नाइस. दिस इज छोटा सा कोई प्ले ग्राउंड जैसा ही है फॉर किड्स. एंड वहाँ पे वो जो बोल नहीं रहते मुझे कि हम आपको घोड़े पे रिवर क्रॉस कराएगा, यहीं चार थोड़ा सा पानी होता है, यहीं पे घुमा के ले आते हैं वापस और रिवर क्रॉसिंग बता रहे होते हैं. तो इनके उसमें भी नहीं आना होता ज़्यादा, अपना खुद देखना होता है. ट्रेन चल रही है, मतलब पूरे ट्रेन से ही आए होंगे यार, फिर भी ट्रेन में बैठे हैं यहाँ के, छोटी वाली सही है. दिस इज लाइक चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड और वहाँ आउटसाइड का ही मज़ा है. मैं आपको अभी उसका एक सिनेमैटिक शॉट देता हूँ बड़ा तगड़ा सा, ताकि आपको भी मज़ा आ जाए. पता है मेरा मन करता है वैसी जगह जाने का जो ऊपर दिख रही है, बट ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम यार. अरे एक भी बच्चा नहीं बैठा है भाई, गॉड मीम मटेरियल. ओ भाई ये तो मीम मटेरियल है, एक बच्चा नहीं बैठा है, सारे अधेड़ उम्र के लोग बैठे हुए हैं. सही है. दिखाने में बहुत मेहनत लगती है यार, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दो. राइट जो लाल वाला बटन है ना नीचे, उसको टक 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 दबा डालो, है ना. तो ये इतना ब्यूटीफुल है मेरे पास. दिस इज ओपन फॉर एवरीवन. क्या ब्यूटीफुल है, मतलब ऐसी चीज है ना, क्या सही व्यू है. मतलब ये इतना छोटा सा ही है बट अगर यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए और यहीं पे कैंप करना हो और बर्फ वर्फ हो कितना सही लगेगा, बड़ा ही सही है यार. भाई ये कबूतर देखो कैसे बैठा है मजे से हाथ में मेरे, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, सही है. बट ये कितना खूबसूरत है यार, कितना ब्यूटीफुल है ये.
इस हमारे छोटे भाई का है। जब भी आप आओ बेताब वैली, ये आपको यहीं मिलेगा, आप इससे कबूतर ले सकते हो। और इसको अच्छे से पैसे भी देके जाना यार, बहुत स्वीट बच्चा है ये। लो पकड़ो, ये देखो कैसे लेता है। सो नाइस। दिस इज़ द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेताब वैली। मतलब यहाँ पे आपको वो वाटरफॉल है, वहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, वहाँ तक लेके जाते हैं। यहाँ के लोग 800 के अराउंड चार्ज करते हैं। और भाई है तो खूबसूरत, पानी देखो कितना साफ है, है तो बहुत खूबसूरत, उसमें कोई डाउट नहीं है। ए हेलो हेलो घोड़े, लोग वहाँ पे भी गए हैं इसको पार करके पानी से। और सही जगह है यार, बड़ा सही है। जैसे कि वो लोग आ रहे हैं ना, वो आपको ये हॉर्स राइड अगर आप करते हो यहाँ पे आके, आपको ये वाले लोग आपको पूरा एक राउंड है वहाँ से वाटरफॉल का वो दिखा के लाएंगे। और वहीं बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी थोड़ी बहुत, तो वो छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं। तो इसी तरह वाटर क्रॉसिंग करवाएंगे आपको घोड़ों से। अच्छा लगता है वैसे बहुत, पर मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ तो इस बार मेरा मतलब ही नहीं बनता कोई। और ये चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज़ ऑल फ्रॉम बेताब वैली, इट इज़ अ रियली ब्यूटिफुल प्लेस। मैंने बेताब वैली और आरू वैली में अगर मुझे पर्सनली पूछो तो मेरे को दोनों ही पसंद है, बट मैं आरू की तरफ ज़्यादा झुकता हूँ क्योंकि वहाँ पे वो कल्चरली रिच लगती है मुझे काफ़ी बेताब वैली से। बेताब वैली इज़ अ कमर्शियल प्लेस, आरू वैली एक रॉ विलेज है, तो वो इतनी सही चीज़ है ना। मैं आपको, अब मेरा मन है कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ, देखता हूँ मैं, अगर निकलते हुए टाइम होगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे। मौसम के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारा। तो ये देखो, दैट इज़ द काइंड ऑफ वो लोग जहाँ जैसे हॉर्स के साथ करवा रहे हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच विल हैपन अगर आप हॉर्स लेते हो और ये 8 points का करते हो। तो दैट इज़ फ्रॉम बेताब वैली। मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ होपफुली आरू वैली में, या फिर नहीं तो श्रीनगर। आई विल फाइंड इट ऑन द वे। चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द लाइक बटन, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाइक पे मिलूँ। भाई हद भीड़ है आज पहलगाम में, सब लोग क्लिक कर रहे हैं फोटोज एंड ऑल। बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। बोलते रहे पहलगाम का इस बार 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लोग अपने डॉगीज को भी लेके घूम रहे हैं। हेलो, करते हैं बाय बाय टाटा, बाय बाय बेताब वैली को। अब ये चढ़ाई बड़ी ज़्यादा है यार, ये स्टीप है, देखो ये एंगल देखो आप, अगर दिख रहा हो। और इनने गाड़ी खड़ी कर रखी है, चढ़ गई आराम से। वैसे इंजन में तो बाइक अपना बहुत पावरफुल है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये होता है कई बार ना डिसबैलेंस हो जाता है। देखो लास्ट में टाटा बाय बाय बेताब वैली, चलते हैं आरू की तरफ जो कि अलग एक बहुत खूबसूरत जगह है। वो मेरी फेवरेट है भाई, ये पहलगाम में ना सबसे फेवरेट है मेरी आरू वैली, चंदलवाड़ी एरिया, दिस और वहाँ पे आगे जो बेताब वैली में पानी वगैरह आता है वो सब यहीं का होता है। और ये रही नीचे आपको जो दिख रही है, ये है बेताब वैली। यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये, आप देखो दिस इज़ बेताब वैली। नीचे से इतना खूबसूरत था, ऊपर से तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उस जगह पे है चंदरवाड़ी। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि अगर वहाँ का बहुत अच्छा है तो जाना वर्थ इट है, वरना 8-10 किलोमीटर फिर 8-10 किलोमीटर आना और बारिश का मौसम बनने लगा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई बारिश में भीगना नहीं है मुझे, बाकी चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।